नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला आज शाम को खेला जाना है। सीरीज में बराबरी के लिए टीम इंडिया को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। जहां पहला मैच बारिश के चलते धुल गया था, वहीं दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने दमदार बल्लेबाजी कर मुकाबला अपने नाम किया, तो वहीं अब तीसरे मैच में भारतीय गेंदबाजों को अपने प्रदर्शन में काफी सुधार करना होगा। चयनकर्ताओं की नजरें टी20 वर्ल्ड कप के लिए सही संयोजन तलाशने पर है। टी20 विश्व कप से पहले भारत को अब सिर्फ 4 टी20 मैच खेलने हैं और चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने के लिए अब उनके पास ज्यादा मौका नहीं है। दूसरे टी20 मैच के दौरान टीम इंडिया के गेंदबाज लैग से जूझते नजर आए थे। जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर की गैर मौजूदगी में टीम प्रबंधन का भरोसा हरदीप सिंह और मुकेश कुमार पर ही था, लेकिन दोनों अभी तक इस भरोसे पर खरे नहीं उतर सके हैं और दबाव के क्षणों में जूझते नजर आए हैं। आपको बता दें कि साल 2015 के बाद से भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोई भी सीरीज नहीं हारी है। तब से अब तक दोनों देशों के बीच 4 टी20 सीरीज में आमना सामना हुआ है, जिसमें से 2 सीरीज भारत ने जीती है तो वहीं 2 टाई रही हैं। वहीं अगर भारतीय टीम को ये सीरीज अपने नाम करनी है तो आज गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। जहां ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से भारतीय टीम की ओर से 10 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जिसमें सिर्फ अक्षर पटेल ही एकमात्र गेंदबाज थे जिनकी इकॉनमी 8 से कम रही। वहीं एक बार फिर रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव से इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी उम्मीद होगी, जहां दोनों ही बल्ले से अच्छा प्रदर्शन कर इस सीरीज को ड्रॉ कराना चाहेंगे। जोहान्सबर्ग में हालांकि भारत ने 3 प्रारूपों में अच्छा प्रदर्शन किया है और टी20 में आंकड़े 3-1 से उनके पक्ष में है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों में गैरल कोल्टसी, मार्को जेंसन और लुंगी एनगिडी सीरीज का तीसरा मैच नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि उन्हें टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए प्रथम श्रेणी मैच भी खेलना है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।